देखिए यहाँ आया था लेकिन उस समय तो कोई पता नहीं चला, इसमें पता चला है कि उसमें इसे ऐसे मांस मिला था और उस लड्डू में जितना प्रसिद्ध लड्डू है और जिस प्रकार से षड्यंत्र किया गया है, हमारे सनातन धर्म में कुठाराघात है, इसको रोकने के लिए सरकार तुरंत इसका प्रयास करे और इसको खोज करे कि कौन लोग ऐसे लोगों ने ऐसा किया है इस प्रकार से, तो उसके बाद जो ऐसा किया है और इसे मांस मिलाया है वह दंडनीय अपराध है, दंड उनको दंड देना चाहिए और दंड देने के बाद ही पता चलेगा, खोज करने के बाद तो निश्चित हो चुका है कि हाँ इसमें इस जैसी पिक्चर भी मिलाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा में कितना आया था ये तो टच में बताएगा, लेकिन हाँ लड्डू आया था और उसको वितरण भी किया गया था, लेकिन यह किस रूप में आया और किस प्रकार से उसका वितरण हुआ और ये जो भी हुआ वो सनातन धर्म पर षड्यंत्र है और यह जिसने किया है वो अपराध है और उसको दंड देना चाहिए। ये देखिए महापाप है, अक्षम्य अपराध है कि ऐसे आप लोगों को भ्रष्ट करते हैं, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर सुनिश्चित कार्यवाही की जानी चाहिए और इस प्रकार से किसी के धर्म को भ्रष्ट नहीं किया जाना चाहिए। लड्डू में मांस मिलाना, जिहाद को बढ़ावा देना, मैं मानता हूँ कि एक जघन्य अपराध बन चुका है अब ये, और इसके लिए सरकार को बड़ा कानून लाना चाहिए और कड़े कानून के साथ ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए और उसके बाद कोई कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। देखिए वो भगवान का प्रसाद है और भगवान के प्रसाद में अगर इस प्रकार से मांस मिलाया जा रहा है, जहाँ पूरी तरीके से हम शुद्धता का ध्यान देते हैं वहाँ मांस मिलाना ये महापाप है, जघन्य अपराध है जिसकी कोई क्षमा ही नहीं है, ऐसे लोग फांसी पे लटका देने के पात्र हैं। बावजूद इसके कि हमारे देश में अब कोई कड़े कानून रह नहीं गए हैं, हमारी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी अपनी सभ्यता के लिए हमको चिल्लाना पड़ रहा है, हमारी समाज भी जागरूक नहीं है कि ऐसे लोगों के ऊपर हम कार्यवाही के लिए सरकारों से अपील करें कि आखिर ऐसे प्रसादों में किस प्रकार से लड्डुओं में मांस मिलाकर ये क्या किया जा रहा है। वो कोई भी हो, किसी भी मत मजहब संप्रदाय का हो, उसके ऊपर कार्यवाही किया जाना चाहिए।